समेत विपक्षी पार्टियां लखीमपुर कांड पर तो उत्तर प्रदेश समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की हत्या के मामले में अपनी आंखें बंद किए बैठी हैं। 7 अक्टूबर को राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया था। पीड़ित परिवार का सीधे तौर पर आरोप है कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए उसे धरना प्रदर्शन करना पड़ा और घटना के 3 दिन बाद हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की थी। कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है। किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से। सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। हनुमानगढ़ में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या। शव घर के बाहर फेंक कर आरोपी फरार। दिन के बाद पुलिस ने किया मामला दर्ज। सवालों के घेरे में राजस्थान की गहलोत सरकार। ये वाराणसी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की किसान न्याय रैली की तस्वीरें हैं और अपनी रैली के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। अब लखीमपुर खीरी मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी जरा सुन लीजिए। जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया, वो किसानों को तो कुचला ही गया है लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि दोनों ही नेता अपने भाषण में जनता को ये बात बताना भूल गए कि लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन शायद वो दोनों ही इस बात को भूल गए कि 7 अक्टूबर को राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और मारे गए युवक का परिवार राज्य की गहलोत सरकार से इंसाफ की आस लगाए बैठा है। हालात ये थे कि परिवार को आरोपियों के खिलाफ राजस्थान में शिकायत दर्ज करवाने के लिए ही 3 दिन का वक्त लग गया। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। परिजनों से विवादता की गई, वे पुलिस की कार्रवाई से, प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और उनके द्वारा डिमांड की गई है कि आने वाले समय में जो भी निर्दोष इस केस में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो निर्दोष हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस घटना में संलिप्त और जो भी व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करें और उनकी तलाश करें, उन्हें गिरफ्तार करें। खबर के मुताबिक राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुछ युवकों ने जगदीश मेघवाल को लाठियों से बुरी तरह से पीटा। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जगदीश जमीन पर गिरा हुआ है और एक शख्स ने अपने घुटने से उसकी गर्दन दबाई हुई है, जबकि वीडियो में नजर आ रहे दूसरे आरोपी उसकी बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आरोपी जगदीश को पानी भी पिला रहे हैं।
जगदीश की पिटाई का वीडियो तीन युवक बना रहे थे। पिटाई के दौरान जब जगदीश ने दम तोड़ दिया तो आरोपी जगदीश का शव उसके घर के बाहर फेंक कर फरार हो गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ पुलिस के मुताबिक जगदीश की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। ये घटना 7 अक्टूबर की बताई जा रही है। पुलिस ने जगदीश के परिवार वालों के धरने प्रदर्शन के बाद 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस 5 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है और 6 की तलाश जारी है। राजस्थान में हुए इस हत्याकांड का वीडियो वायरल होने के बाद गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यूं तो लखीमपुर खीरी मामले में वाराणसी में रैली कर रही हैं, पर राजस्थान में दलित युवक की हत्या के मामले में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। ये जनता आज की तारीख में सब जानती है। अभी ये उत्तर प्रदेश में गए हुए थे, गले लग रहे थे। एक विधवा बेचारी वो महिला जिसका पति मारा गया उसके गले लग रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, लगना चाहिए। लेकिन राजस्थान में भी एक दलित मारा गया है, उसकी माँ को कौन गले लगेगा? पंजाब के अंदर किसानों के लिए पिटाई हुई, उसको कौन बेचारे किसानों को देखेगा? हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया। राहुल जी, आप लखीमपुर की चिंता ना करें, वहां योगी जी का शासन है, आपके प्रिय गहलोत जी का नहीं। आप राजस्थान के प्रेमपुरा में इस दलित युवक की हत्या पर कुछ कहने की हिम्मत दिखाएं, ताकि जनता को मालूम हो कि आप कितने सच्चे हैं। गहलोत सरकार पर हमला होते देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर पार्टी के बचाव में उतर आए और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलित और कमजोर वर्ग की आवाज उठाई है और हनुमानगढ़ मामले में भी गहलोत सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद वो एक्शन में आई है और उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार पूरी सख्ती से इस मामले को निपटेगी। जहाँ तक उनके परिजनों की मदद की जरूरत है, मदद भी होगी। फिलहाल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार हनुमानगढ़ हत्याकांड पर सवालों के घेरे में है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के साथ खड़ी विपक्षी पार्टियों ने हनुमानगढ़ हत्याकांड पर अपनी आंखें बंद आखिर क्यों की?